प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ आपके डिटेल्ड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये राशिफल कुछ केसेस में एक दिन के लिए नहीं होता, काफी सारे समय तक के लिए काम करता है, और विभिन्न प्रकार के उपाय भी दूंगा ताकि आप अपने जीवन को आसान, सौभाग्यशाली और धन धान्य से संपूर्ण बना सकें। ये सभी को समझने के लिए, जानने के लिए आप आज का मेरा यह राशिफल अंत तक अवश्य देखते रहिए। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगण, मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर और नक्षत्र। तो आइए सबसे पहले चलते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में जानने के लिए। देखिए, मंगल देवता मीन राशि में विराजमान रहेंगे, राहु महाराज वक्री होकर आपका वृष राशि में विराजमान होंगे, बुध देवता और शुक्र देवता दोनों के दोनों तुला राशि में विराजमान रहेंगे, सूर्य देवता और केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। यहाँ सूर्य देव को ग्रहण लग रहा है वृश्चिक राशि में, ये लगातार ये ग्रहण जो है तकरीबन 28-30 दिन तक लगा रहेगा, और यहाँ केतु महाराज वक्री हैं। कहते हैं कि केतु महाराज की आंखें नहीं है क्योंकि उनका सिर ही नहीं है, तो वो अंधे की भांति व्यवहार करते हैं और तलवार से प्रहार करते हैं अपने नजदीक आने वाले सभी लोगों पर, या जिस व्यक्ति के जीवन में जहां बैठे हुए थे वहां पर प्रहार करते रहते हैं, या जहां जहां उनकी पंचम सप्तम और नवम भाव में दृष्टि पड़ती है वहां वहां वो उसका अपनी तलवार से ऑपरेशन करा देते हैं। चंद्र देवता और बृहस्पति देवता शनि देव तीनों के तीनों मकर राशि में विराजमान है। देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां बृहस्पति देवता अब नीच हो गए शनि के घर में आने से, उनको नीच का बनना पड़ा है। तो ये रहेगी हमारे ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जानते हैं आज का पंचांग की मुख्य बातें। आज है विक्रम संवत 2077, 22 नवंबर सन 2020। आज जो परम पिता परमात्मा आपके लिए और हमारे लिए जो द्वार खोलेंगे वो समय रहेगा देर रात 12:13 से लेकर 1:54 तक। इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को ध्यान करना, उनका चिंतन मनन करना मत भूलिएगा। और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वाला समय है वो रहेगा 4:06 से लेकर 5:25 तक, ये दिन का समय है। जबकि आज का जो शुभ मुहूर्त है का समय है वो है 11:46 से लेकर 12:28 तक, दिन के समय ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो आप लोग जो भी शुभ कर्म करना चाहते हैं या जो षट कर्म करना चाहते हैं उसके अनुसार समय निर्धारित कर सकते हैं मेरी बताए हुए समयों के आधार पर, और अपनी लाइफ को आनंदमय बना सकते हैं। यहां पर ये जो ग्रह देवता हैं जो विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार के फल देते हैं, वो हमें हमारे जो कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं और बहुत सारे लोग आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये बातें आपने भी सुनी होंगी। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कर्मठ व्यक्ति को देखा है, तो मुझे कोई शक नहीं है सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत के बूते पर अपना भाग्य बनाया है वो व्यक्ति निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता।
हमारे देश में मेरे जीवन काल का तो जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके अपने अनुभव हो सकते हैं, अगर आपके विपरीत अनुभव है तो आप मुझे बिना किसी झिझक को के कमेंट में जाकर बताएं कि आपकी नजर में कौन सबसे ज्यादा कर्मठ व्यक्ति है जिसने इतनी छोटी सी मतलब छोटे से परिवार से, छोटे से कार्यों से अपना जीवन आरंभ करके सन्यासी की वेशभूषा धारण करके पुनः नॉर्मल लाइफ में आकर देश पर अपना शासन किया हो, पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई हो। कोई दूसरा व्यक्ति हो तो आप बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिना किसी झिझक के अपना कमेंट्स दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स जानकर। तो चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा आप लोगों को, सिर्फ इतना और बताऊंगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अपने जो हम काम जो कार्य करते हैं उसमें अगर ऐसा लगता है उससे कोई भूल चूक हो गई है, कोई पाप हो गया है, कोई देशद्रोह हो गया है, किसी के प्रति उसने गलत कार्य किया है किसी भी प्रकार का, चाहे समाज के प्रति, चाहे देश के प्रति, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के प्रति, चाहे रिश्तेदार के प्रति, चाहे स्त्रियों के प्रति, तो वो व्यक्ति पापों के प्रायश्चित के नाम से जो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ उस लिंक को किसी नई विंडो में कॉपी पेस्ट करके हमसे संपर्क करके छोटे छोटे उपायों के माध्यम से अपने पापों की तीव्रता को कम कर सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि वालों के जीवन से। मेष राशि वालों, देखिए मंगल देवता अभी भी आपकी राशि से 12th बैठकर कमजोर बने हुए हैं, तो इनको मजबूत करने का प्रयास करिएगा। अगर ये मजबूत होंगे तो आपको शुभ फल देंगे। इनका तांत्रिक मंत्र का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। विधि विधान के साथ 15-20 मिनट की पूजा करके आप मंगल देवता को प्रसन्न करें। वैसे भी तो ये आपके राशि के स्वामी हैं, यानी राशि ईश्वर हैं, तो इनको जितना भी आप ध्याएंगे निश्चित ही इनसे शुभ फल पाएंगे। आप पूरे जीवन भी अगर बिना नागा ध्याते हैं तो ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल फादर हैं, इनकी जितनी भी आप गुणगान करेंगे उतना ही आप इनसे आशीर्वाद पाएंगे। और साथ ही साथ मूंगे की जो रतन की मंत्र से अंगूठी पहनना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। परिवारजनों से उलझने का प्रयास बिल्कुल मत करें। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध जो है बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं, उनका आनंद उठाने का प्रयास करें। यहाँ पर भाई बहन भी जीवन साथी के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किंतु जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको निराशा हाथ लग सकती है। अपनी जन्म कुंडली दिखाएं प्रॉपर तरीके से किसी योग्य व्यक्ति को, ताकि पता चल सके आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। और जो भाग्य के हालात हैं वो निश्चित रूप से आपके कर्म स्थल पर बैठकर, यहाँ पर वो नीच के हो गए, नीच प्रभाव देंगे, तो इस प्रभाव के आधार पर मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अपने कार्यस्थल पर, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में जो भी आप करते हैं विशेष रूप से ख्याल रखें। हालांकि यहाँ शनिदेव का बैठे हुए शुभता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है और अनावश्यक रूप से कोई कार्य के सिलसिले में यात्रा की संभावना भी बन सकती है। तो जो भी करें सोच विचार कर करें, अनावश्यक रूप से खर्च करने का कोई भी प्रयास करना आप ही के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो अगर जिन व्यक्तियों के पास पूजा की विधि नहीं है मंगल देवता की, डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। हमारा बनाया हुआ विधि विधान है, आपको अच्छा लगे तो जरूर करिएगा। यहाँ मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में जब चर्चा करना चाहता हूँ तो जहाँ जो मेष राशि वाले व्यक्ति हैं उनके प्रेम संबंधों में खराबी आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी के हमसे संपर्क करके अपने प्रेम संबंधों में मधुरता ला सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ वृष राशि के बारे में। वृष राशि वाले उलझनों से पार निकलने का प्रयास करें, आपकी उलझने आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। साथ ही साथ छोटी छोटी बीमारियाँ, जो छुआछूत की बीमारी भी हो सकती है और एक इम्पोटेंसी की समस्या भी आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। सावधान है, सतर्क रहें, प्रॉपर तरीके से इसकी देखभाल करें, अन्यथा परेशानी बढ़ भी सकती है। क्योंकि आपका अपना ग्रह अगर वहां जाकर बैठेगा बीमारी के घर में तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। यहाँ जीवन साथी के साथ अड़चन आने की भरपूर संभावना है। जिनके रिश्तों की बात चल रही हो उनके रिश्तों में अचानक से अड़चन भी आ सकती है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। और जो जिनके जीवन साथी ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके साथ जीवन साथी के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करें। अगर सरकारी नौकरी की बात चल रही है तो खराब होने की संभावना हो सकती है, यहाँ पर 60% खराब होने की संभावना है, 40% शायद आपकी बात बन जाए या 30% बात बन जाए, ऐसी हमारे को व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के जो हालात हैं
वहां पर मैं भाग्य के लिए आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने भाग्य को ठीक करना चाहते हैं तो आप जो भाग्य में जो बृहस्पति देवता प्रवेश कर गए और वो नीच के हो गए तो आपको परेशानी ना खड़ी करें, इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि वो एक तरीके से आपके आमदनी के देवता है। भाग्य में आकर बैठेंगे वो भी नीच के आके बैठेंगे तो आमदनी को खराब करेंगे। कार्यस्थल के मालिक जो है आपके भाग्य में बैठकर आपके भाग्य में कार्यस्थल को जन नौकरी करें या व्यापार करें लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आमदनी में आपको मंगल देवता का एडिशनली आ जाना आमदनी के भाव में आपको लाभ प्रदान करता है, आपकी आमदनी में वृद्धि प्रदान करने का वो अपने बूते पर प्रयास करेंगे। तो यहां मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने कमजोर होते हुए आमदनी को ठीक करने के लिए आमदनी से संबंधित रतन की अंगूठी और भाग्य को जितना अधिक मजबूत करेंगे, अपने आपके अपने राशि रतन को जितना अधिक मजबूत करेंगे, आप इनको लाभ होना है। बात करता हूं मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से खराबी आती हुई दिखाई दे रही है, सावधान है सतर्क। अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो बिना किसी के हमारे से वीडियो कॉल बुक करा सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपकी संतान सुख के बारे में। तो जो व्यक्ति चाहे वो फिर किसी भी राशि का क्यों ना हो, संतान सुख की पीड़ा से परेशान है, डॉक्टरों की दवा खा खा कर सालों गुजर गए मगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ऐसे सभी व्यक्ति बिना किसी झिझक के वैदिक ज्ञान की शरण में आए, अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से सबसे पहले तो ये पता करें कि आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं। अगर नहीं है तो उस योग को मजबूत करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय इस योग को मजबूत कर सकते हैं और आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो उन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, अपने भाग्य को विशेष रूप से ख्याल रखिए। ये भाग्य और आमदनी का ग्रह कभी खराब ना हो, तभी तो आपको आगे निरंतर बरकत होने के चांस मिलेंगे। यहां मैं बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति देखिए यहाँ पर जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार चिंता फिक्र लगातार आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। जो मिथुन राशि वाले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बहुत मन लगाकर बहुत मेहनत करकर, उनको निराशा हाथ लगने वाली है क्योंकि उनका सरकारी नौकरी से संबंधित ग्रह इस समय खराब चल रहा है, केतु ने उसे अंधा कर दिया, ग्रहण लगा दिया है। और साथ ही साथ मैं ऐसे सभी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों से कहना चाहूंगा आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं ताकि पता चल सके सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, वरना जीवन के बहुत सारे साल केवल सरकारी नौकरी के लिए व्यर्थ हो जाएंगे। यहां पर जो व्यक्ति जो स्टूडेंट है उस समय जो कुछ भी पढ़ेंगे वो उनके आगे चलकर एग्जाम में काम आने वाला है, तो फोकस पढ़ाई लिखाई पर रखें, अपने कैरियर बनाने पर रखें, विपरीत सेक्स की तरफ भागने का प्रयास ना करें, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने का या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास ना करें, वरना आपकी कैरियर में परेशानी का वॉयस बन सकती है ये सब चीजें। और यहाँ अपने शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहने का प्रयास करें, अगर शत्रु आपको परेशान करेंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। सावधान रहें, अपने शत्रु का विशेष रूप से ख्याल रखें। और यहाँ जो आपका जीवन साथी का ग्रह वो थोड़ा सा परेशानी देते हुए नीच का हो गया, आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर कहीं रिश्तों की बात चल रही थी तो रिश्तों की बात खराब होती हुई नजर आ रही है, अब शादी से संबंधित रिश्ते की बात चल रही थी तो खराब होने की संभावना होती हुई नजर आ रही है। सावधान रहें, सतर्क रहें, बताना हमारा कर्तव्य, लाभ उठाना आपका, तो उस लाभ को उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अनावश्यक रूप से एक यात्रा की संभावना ससुराल साइड में बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ में भाग्य के हालात आपके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, अपने भाग्य को जितना अधिक मजबूत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो भाग्य के मालिक को, अपने राशि के मालिक को सदैव मजबूत करके रखें, आमदनी का मालिक भी मजबूत होगा तो आपको आमदनी में सदैव बरकत रहेगी। तो इन तीनों की मंत्र से प्राण प्रति जागृत की हुई अंगूठियां हमेशा धारण करके रखें, प्रॉपरली मंत्र से धोनी चाहिए और हर 3 साल बाद इन्हें नई बनवाकर ही धारण करनी चाहिए, इनको दोबारा मंत्र से नहीं किया जा सकता है। कार्यस्थल के हालात की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर मंगल देवता की वजह से कोई झगड़ा भी हो सकता है, झगड़े से बचने का प्रयास करें। और जो कार्यस्थल का मालिक का जो संबंधित ग्रह है वो खराब होकर नीच का हो गया तो आपको नौकरी व्यापार में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पहले से ही सतर्क रहें। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपने कार्यस्थल के ग्रह को हमेशा मजबूत करके रखें, नौकरी के ग्रह को मजबूत करके रखें, भाग्य के ग्रह को मजबूत करके रखें, आमदनी के ग्रह को मजबूत रखें और अपने ग्रह को मजबूत रखें ताकि विभिन्न प्रकार की परेशानियों को आप आसानी से फेस करते हुए जीवन में निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ सकें।
यहाँ पर राहु महाराज भी खराब होने की वजह से आपके राहु महाराज का भी विशेष रूप से ख्याल रखना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं और अपने प्रेम संबंधों को आगे मुकाम तक पहुंचाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को परेशानी है तो बिना किसी के वीडियो कॉल बुक कराकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर आपका जो अपना ग्रह है वो आपके जीवन साथी के साथ बैठकर आपको आनंदित कर रहा है। जीवन साथी के साथ कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु यहीं पर बृहस्पति का नीच हो जाना आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। जीवन साथी के घर में जाकर नीच का हो जाना, तो जीवन साथी के थोड़ा सा सावधान रहे, थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंज आ सकता है अचानक से बृहस्पति के नीचे का, आपके ऐश्वर्य में नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर बात करता हूं मैं आपके जो माता है उनका आशीर्वाद भरपूर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहन भी माता के साथ मिलकर आपको आशीर्वाद या शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी नौकरी की जो युवक युवतियाँ तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे थोड़ा सा चांस जो है इस समय 50% से भी कम बने हुए हैं आपकी सफलता के, तो आप पहले ही मोड़ पर जन्म कुंडली दिखाकर आप अपने उन ग्रहों को मजबूत करें जिनकी वजह से आपको सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे। चाहे तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के बारे में। तो कार्यस्थल का ग्रह अगर आपके भाग्य में आकर बैठेगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करेगा। तो आप अपनी भाग्य की वजह से अपने कार्य को अब या नौकरी या व्यापार जो भी करते हैं उसको मजबूत कर सकते हैं। मगर आमंदनी में राहु का बैठ जाना आपको परेशानी का सबब बन सकता है। तो इनसे संबंधित यानी अपने राशि रतन की, अपने भाग्य के रतन की और अपने आमंदनी के रतन की अंगूठियों को हमेशा धारण करें। इन ग्रहों को सदैव मजबूत करें ताकि आपके जीवन में निरंतर बरकत होती रहे। मगर ये ध्यान रखेंगे अंगूठियां हमेशा मन से धोती रहें होनी चाहिए। राहु के लिए आप छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। एक उठी काला कोयला लेकर अपने सिर से शनिवार की शाम को उतारें और उसे साफ सुथरे बहते हुए पानी में, नहर में, नदी में बहा दें। प्रेम संबंधों के मसले में ये समय आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला नहीं है। सावधान रहें, अपने प्रेम संबंधों को खराब होने से बचाने का प्रयास करें, उनमें क्रोध का समावेश ना होने दें वरना आपके प्रेम संबंध खराब होते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए आप वीडियो कॉल बुक कराकर हमसे उपाय जान सकते हैं और मदद ले सकते हैं। और यहां मैं बात करना चाहता हूं उन संतानों के बारे में, उन नालायक संतानों के बारे में जो अपनी माता पिता की बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, उनका बार बार अपमान करते हैं। चाहे संतान की उम्र 15 साल है या 55 साल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सभी माँ बाप जो अपनी संतान के नालायक होने की वजह से दुखी हैं, ऐसे सभी संतान के माता पिता अपनी संतान को अपने प्रेम में दोबारा से अभिभूत करने के लिए, अपने और अपनी संतान के बीच में दोबारा प्रेम को जागृत करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे छोटे से उपाय का लाभ लेकर अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। और ये उपाय केवल मतलब संतान और आपके बीच में नहीं है, भाई बहन का जो कोई मतलब खून के सभी रिश्तों को और पति पत्नी के रिश्ते को आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जरूर सुधारा जा सकता है। जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देखकर और प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी मदद पहुंचाई जा सकती है। आपके प्रेम संबंध आपकी और आपकी संतान के मध्य दोबारा से प्रेम संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। और ये वाइस वर्सा भी है, जो संतान अपने माता पिता से बहुत ज्यादा परेशान है जेन्युइनली, तो वो भी अपनी माता पिता को अपने प्रेम के वश में कर उनको ठीक कर सकते हैं, मतलब उनके व्यवहार में चेंज ला सकते हैं, उनसे दोबारा से प्रेम संबंध कायम कर सकते हैं। या भाई बहन उनके मध्य भी प्रेम संबंध जागृत हो सकते हैं। तो आप हमारी इस सुविधा का वीडियो कॉल के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम जमन सिंह, मैं से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे अंगूठी पहनाई थी, मैंने अंगूठी पहना, मुझे काफी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला, मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीने पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सलाह बोला था इस चीज़ के बारे में, फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ।
मुझे और कुछ बाकी था, मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं यही देना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आपको विश्वास नहीं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, देखिए यहाँ विशेष रूप से एक चीज जो चर्चा मैंने आपसे करनी है, वो चर्चा करनी है आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कैरियर का। आज कैरियर बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक बनता चला जा रहा है। डेली आप देख रहे हैं लोग ऐप के माध्यम से, छोटी छोटी वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया में यहाँ घर बैठे बिजनेस जमा लिया है उन्होंने। आप भी तो ऐसा कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं। तो फोकस पढ़ाई लिखाई पर विशेष रूप से करिए। किंतु जो माँ बाप या जो स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, या मेहनत करने के बाद बिल्कुल नंबर नहीं आते हैं, कम नंबर आते हैं, तो ऐसे सभी युवक युवतियां या स्टूडेंट्स बिना किसी झिझक के हमसे वीडियो कॉल पर चर्चा करें अपने माँ बाप के साथ। हम निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपकी मदद करेंगे ताकि आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगे और हर साल आपके पहले से ज़्यादा नंबर आए। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, साल में एक बार उपाय करना है, उस उपाय के माध्यम से आप हर साल पहले से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लगा सकते हैं, आप हमसे लिख के गारंटी ले सकते हैं इन बातों के लिए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आती दिखाई दे रही है, परिवारजन भी भाई बहनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। माता का बिहेवियर एकदम क्रोध से परिपूर्ण हो सकता है, मगर माता की मदद आपको सरकारी नौकरी के काम भी आ सकती है अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो, या सरकार से कोई अन्य बेनिफिट मिलने की संभावना, तो माता का आशीर्वाद वहाँ काम आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि माता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और यहां बात करता हूं स्वास्थ्य की, तो आपके बहुत ज्यादा सचेत होना है। आपका लीवर की प्रॉब्लम, आपको सांस से संबंधित प्रॉब्लम, आपको यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, या आपको कोई क्रोनिक डिसीज परेशान करके रख सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और जिन लोगों का अभी तक शादी नहीं हुई है, संबंधों की बात, शादी से संबंधित रिश्तों की बात चल रही है, तो उनसे कहना चाहूँगा उनके रिश्तों की बात खराब होने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। आप अपनी प्रॉपर जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर रूप से उपाय करें, तभी आपको एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त होगा, अन्यथा अगर गलती से कोई टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो आपका जीवन वैसे ही नरक बन जाएगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतने का प्रयास करें, या तो वाहन में बैठते समय या शाम चलाते समय। कार्य जो भाग्य के हालात हैं आपको मदद नहीं पहुंचा रहे हैं, एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, भाग्य आपका खराब है, तो अपने आप को, अपने भाग्य को, अपने आमदनी के ग्रह को, अपने कार्यस्थल के ग्रह को सदैव मजबूत करके रखें। उनसे संबंधित रत्नों की अंगूठियां पहनकर, आप ही नहीं पहनते, हमारे देश में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और आपके और हमारे आसपास घूमने वाले बहुत सारे लोगों के हाथों में आप समय समय पर इन रत्नों की अंगूठियां देख सकते हैं। मैं पहले टॉप 10 टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं पहले टॉप 10 एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं, उनके बहुत सारे फोटो जब गूगल पर सर्च करेंगे तो उन फोटो के बीच में कोई ना कोई फोटो आपको ऐसा मिल जाएगा जब उन्होंने ये रत्नों की अंगूठियां इस समय पहन रखी, मतलब पहनी हुई है। क्योंकि नॉर्मली देखा गया बड़े लोग पब्लिक डीलिंग के समय में अपने रत्नों की अंगूठियों को उतार कर जेब में रख लेते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं आपके आमदनी के ग्रह को मजबूत करने के लिए, आप अपने भाई बहनों की और अपने परिवारजनों की सहायता लेकर भी उनको मजबूत और अधिक मजबूत कर सकते हैं। और तो सिंह राशि वाले, अगर मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा करूँ तो आपके प्रेम संबंधों में यहाँ पर मुझे विशेष रूप से खराबी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर प्रेम संबंध खराब होंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य वैसे ही खराब हो जाएगा, तो अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए आपको उपाय करना ही होगा, वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे चर्चा करनी ही होगी ताकि हम आपको मदद कर सके। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मदद करने वाले, असली और नकली का भेद तो आप खुद ही उनका नाम देखिए, उनका एड्रेस देखिए, उनके बारे में उनके रिव्यूज देखिए, लोग क्या कहते हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा। भैया हमारे यहाँ 133 देशों से लोग खुद चलकर आते हैं,
मदद लेने के लिए। इससे बड़ी बात क्या, आप समय समय पर आप देखेंगे वीडियो के दौरान बहुत सारे फॉरनर्स हमारे साथ, वो फॉरनर्स स्पेशली वहाँ से चलकर कोई गुरु दीक्षा के लिए, कोई उपाय के लिए, कोई पूजा के लिए, कोई हवन के लिए, कोई साउथ अफ्रीका से चलकर आ रहा है, कोई अमेरिका से चलकर आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई फ्रांस, कोई जर्मन, कोई पोलैंड, मैं कहाँ कहाँ का नाम लूँ, इतने नाम तो मुझे याद भी नहीं रहेंगे। तो यह हमारा धर्म है, सनातन धर्म, जो आप लोगों की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा है। आप निरंतर हमारी वीडियोज को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये सनातन धर्म आज इस मुकाम तक पहुँचा है कि आपके लगातार शेयर करने की वजह से हमारी दुनिया भर के लोग समय समय पर हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हम सनातन धर्म की सेवाओं का लाभ उठाकर लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमसे लाभ ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर चर्चा करने के बाद उपाय जान सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। देखिए कन्या राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर आपके अपना ग्रह और परिवारजन का ग्रह दोनों ही मिलकर आपको लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अवश्य अपने परिवारजनों से मिलकर लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों की बात करूं तो ये केवल आज तक कायम नहीं है, और ऐसे ही यहाँ पर भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही, फिर भी भाई बहनों की वजह से 30% चांस ऐसे बन सकते हैं जहाँ सरकारी नौकरी की संभावना आपकी बन जाए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो। जो भी करें सोच समझ कर करें, पहले सरकारी नौकरी से पहले अपने एक बार ग्रहों को मजबूत कर लें ताकि आपकी सरकारी नौकरी की संभावना ज़्यादा बन सके। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, आपके माता के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें, और जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा क्रोध में हो सकता है, सावधान रहें, उनके व्यवहार में जो क्रोध आ रहा है उससे बचने का प्रयास करें। हाँ, फिर भी चाहे वो नीच होने के बावजूद भी बृहस्पति के साथ जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही है वो मौके पर चौका मार सकते हैं, जो प्रेम संबंधों में है, और अपने प्रेम संबंधों को शादी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। इस मौके का फायदा उठाइए और शादी के संबंधों में बंध जाइए। किंतु जो लोग शादी के संबंधों में नहीं बंध पा रहे, क्योंकि उनके ग्रह निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खराब होंगे, बहुत सारे ग्रह खराब होंगे जिसकी वजह से उनको प्रॉपर उपाय भी नहीं मिल पा रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं उपायों के लिए, तो बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। भाग्य में बैठा हुआ राहु आपको लगातार परेशान कर रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ बात करूँगा अपना, आपके कार्यस्थल पर आपके परिवारजन और आपका जो है आप स्वयं अच्छे खासा आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। जो स्टूडेंट हैं उनकी कोई स्टडी के संबंधित कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा करूँ, तो प्रेम संबंधों में आप निश्चित रूप से अपने प्रेम संबंधों को सेफ करने में होंगे, हालांकि खराब कर होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर कोई विष योग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, आपको परेशानी ना हो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने प्रेम संबंधों को खराब होने से बचाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो किसी तीसरे की जो एंट्री हुई है वहाँ पर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रेम संबंधों में, उनको उनसे बचने के लिए आप हमारी जो वीडियो ये नंबर आ रहे हैं वीडियो कॉल के, उन पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके शत्रुओं से, तो अपने शत्रुओं का आपने विशेष रूप से ख्याल करना है, क्योंकि आपके शत्रु कभी भी आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, तो अपने शत्रुओं से सावधान रहने का हमेशा प्रयास करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु आप अपने शत्रुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बिना किसी झिझक के आप हमारी मदद लेकर उनको कम से कम इस प्रकार से बांध तो सकते हैं कि वो आपको नुकसान ना पहुँचा सके। बेशक आप या हम उनका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उनके नुकसान से बचने का प्रयास तो करना ही चाहिए हमको, तो उसके लिए प्रयास करें। प्रेम संबंधों की जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, बात करना चाहूंगा तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना समय अच्छा चल रहा है, आपका भाग्य का मालिक आपके सिर पर बैठकर राशि में बैठकर और आपके राशि का मालिक अपनी राशि में बैठकर आपको आनंदित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है, आपको लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु परिवारजनों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, हालांकि वो आपको मदद करना चाहते हैं आपकी सरकारी नौकरी से संबंधित, तो इसमें कोई अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें,
हालांकि यहाँ पर केवल आपको जो मदद मिलने की संभावना है वो 31% की मदद मिल सकती है। तो जो अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप युवक युवतियाँ, तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली जो है हमें वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाकर जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर नहीं है तो किस प्रकार से, कमजोर योग है तो किस प्रकार से उसे मजबूत किया जा सके। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, आपके माता के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। माता के व्यवहार को कोई तीसरा व्यक्ति खराब करने का प्रयास कर सकता है, या आपके मकान में कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकता है, आपके वाहन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस विषय में विशेष रूप से सावधान रहिए। जिन लोगों की शादी के रिश्तों की बात चल रही है वो सावधान रहे, उनका रिश्ता खराब होने की, उनके रिश्ते की बात खराब होती नजर आ रही है। किंतु जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है शादी के लिए और अभी तक शादी की मंच लड्डू नहीं खा सके हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति एक बार जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, ताकि पता चल सके कौन कौन ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, जो शादी नहीं होने दे रहे हैं। तो उन ग्रहों को ठीक करके आपको मजबूत किया जा सकता है, आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो आप उस लाभ को लेकर एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किंतु अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो यहाँ आपकी शादी में वो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, ब्लड प्रेशर से संबंधित, अपने भी आपके भी स्वास्थ्य में कुछ ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो सावधान है, सतर्क रहें, या ब्लड इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्य का मालिक निश्चित रूप से आपके साथ बैठकर आपको लाभ पहुंचा रहा है। आमदनी का मालिक परिवारजनों के साथ कनेक्ट होकर आपको जरूर कुछ ना कुछ तो लाभ देगा ही देगा। किंतु हालात अच्छे नहीं है, अपने आप को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं। बात करते हैं आपके को मजबूत करने के लिए, आप अपने आमदनी के रत्न के, अपने कार्यस्थल से संबंधित रत्न की मनसित पाणपति जागृत कराकर अंगूठी धारण करें, या उन ग्रहों की पूजा करें जो इसके कारक बने हुए हैं और खराब हैं। केतु महाराज की पूजा करें, अपने सूर्यदेव की पूजा करें जो आमदनी के मुख्य कारक हैं, तांत्रिक मंत्रों से पूजा करें। विधि विधान हमसे ईमेल में आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, और लाभ उठा सकते हैं उस विधि विधान से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो सकता है वो विधि विधान। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंध निश्चित रूप से, अगर अपनी माता का सहारा लेकर, माता को की मदद लेकर अगर आप अपने प्रेम संबंधों को ठीक करना चाहेंगे तो अवश्य आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, देखिए यहाँ पर एक जो संभावना बनती नजर आ रही है, आपके क्रोध में अत्यंत तीव्रता आ जाएगी, साथ ही साथ सूर्यदेव का वहां आ जाना आपको विचलित कर देगा, और साथ ही साथ उनको सूर्यदेव को आते ही उनको ग्रहण लग जाना, जो स्थिति लगभग एक महीने तक बनी रहेगी, उस स्थिति की वजह से आपको और अधिक परेशानियों की संभावना बनती नजर आ रही है। जो स्टूडेंट है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका नौकरी का चांस जो आप 30% से भी कम रह जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, तो अपने उन ग्रहों को मजबूत करें जो आपकी नौकरी के कारक हैं और जो कारण प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं सरकारी नौकरी या नौकरी की कोशिश में, तो उन ग्रहों को ठीक करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ भाई बहनों के साथ कुछ अड़चनें आ सकती हैं, सावधान रहें, फिर भी भाई बहन आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। माता का आशीर्वाद भी भाई बहनों के साथ मिलकर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, फोकस पढ़ाई लिखाई पर करें। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, कैरियर कैसे बनेगा, कोई बड़े होकर भटूरे छोले भटूरे थोड़ी बेच रहे हैं। तो मेहनत करेंगे वही आपके काम आने वाली है। गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है, आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देने वाला हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल करिएगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ जीवन साथी के बारे में। तो जो जीवन साथी है आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो कुछ उनके क्रोध में अचानक तीव्रता आ सकती है, उनके व्यवहार में एकदम बहुत चेंज आएगा, आपको परेशान कर देगा, और ये स्थिति अभी काफी समय तक बनने वाली है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव जागृत हो। तो और साथ ही साथ जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, रिश्तों की बात चल रही है, तो रिश्तों में खराबी आती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो कुछ उलझनों की वजह से उन रिश्तों में खराबी आ सकती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को दिखाकर
प्रॉपर रूप से किसी योग्य विद्वान व्यक्ति को दिखाएं ताकि आप प्रॉपर रूप से उपाय करके सीखता सीखे खूबसूरत से जीवन साथी प्राप्त कर अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सके, वरना कोई टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो आपके जीवन में परेशानी घोल देगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं उन सभी निसंतान दंपतियों से जिनके अभी तक संतान नहीं हुई है, डॉक्टरों की दवा खा खा कर चक्कर लगा लगा कर सालों गुजर गए, कभी तो किसी को कुछ लोगों को खाली मिसकैरेज बार बार हो जाता है तो इसलिए संतान नहीं हुई, और कुछ को संतान को कैरी मतलब गर्भधारण ही नहीं हुआ तो मिसकैरेज तो होने का सवाल ही नहीं उठता, और सालों सो रहे डॉक्टर की दवा खाते खाते। तो ऐसी सभी केसेज में आप एक बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शरण में आइए, वीडियो कॉल पर हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, हम निश्चित रूप से आपको मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग बनाया है तो हम आपको संतान दिलवाने के लिए बहुत छोटे छोटे वैदिक उपाय रोज नहीं करने, साल में एक या दो बार उन उपायों को करके आपको लाभ पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, आपके जीवन में संतान रूपी खुशियां दिलवाने का जी जान से प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आमदनी की, तो आमदनी के ग्रह खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अगर आमदनी इसी प्रकार से खराब होती रही तो आप अपने जीवन में धन कैसे संचित कर पाएंगे जिसकी अत्यंत आपको आवश्यकता होती है। साथ ही साथ विपरीत सेक्स के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है, सावधान रहें, किसी विधवा स्त्री से झगड़ा करने का प्रयास न करें अन्यथा आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं प्रेम संबंधों के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उन संबंधों का विशेष रूप से ख्याल रखें, आपका प्रेम संबंध खराब नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो प्रेम संबंधों में निराश हो रहे हैं बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूं धनु राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाली व्यक्तियों, देखिए यहां पर अभी हाल फिलहाल में आपका अपना जो ग्रह है वो नीच का हो गया है। अब नीच का ग्रह हो गया तो धर्म से तो कहीं ना कहीं अड़चन आएगी, तो गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु को अपमान करना आपके लिए आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा। परिवारजन भरपूर मदद देने का प्रयास करें, उनके साथ यात्रा की संभावना ही बनती नजर आ रही है। माता का आशीर्वाद में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, माता से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, किंतु उनसे क्रोध को हवा मत देना, अगर उनके क्रोध को हवा देंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप मकान से संबंधित कोई लेन देन करना चाह रहे हैं तो कर डालिए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपना खुद का घर प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर जो जी आपके जो जीवन साथी हैं वो निश्चित रूप से उनकी सलाह मानकर आप अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं। आपकी भाग्य की बात करूँ तो भाग्य की हालत ठीक नहीं है, यहाँ आपका अपने ग्रह का रतन भाग्य का रतन और जो जीवन साथी का रतन जो है उनको धारण कर आप लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि जीवन साथी का रतन और कार्य का रतन आपका एक ही है। तो कार्य मतलब जीवन साथी के रतन के साथ साथ आपके कार्यस्थल की स्थिति चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं स्वतः ही मजबूत होने लगेगी। तो इन तीन चीज रत्नों की अंगूठियों को आप धारण करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा, आप निरंतर तरक्की करेंगे। और आप ही क्यों करते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को देखेंगे, बड़े बड़े अभिनेताओं को देखेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे, तो या अपने आसपास विशेष रूप से जब नजर दौड़ाएंगे तो आप हर एक किसी व्यक्ति को मतलब आप हर एक किसी को कहने का तात्पर्य कम से कम 40-50% लोगों को आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने हाथों में रत्नों की विभिन्न प्रकार की अंगूठियां पहनी हुई हैं। तो आप भी इन रत्नों की अंगूठियों को पहनकर लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो जो आपके जो प्रेम संबंध है अगर उन प्रेम संबंधों में अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। माता से चर्चा करिए अपने प्रेम संबंधों के बारे में और उनकी सलाह मानिए, ऐसा करना निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप बिना किसी चीज के हमारी मदद लेकर वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्ति देखो भी एक विशेष रूप से बात है कि आपके सिर पर देवगुरु बृहस्पति नीच के होकर विराजमान हो गए, तो कुछ ना कुछ तो असर बैठ देंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि में आना उनका आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो सावधान है, गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है,
ऐसा करना आपकी धन संपत्ति और ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा, और परिवारजन निश्चित रूप से आपके साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भाई बहन भी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली आपको मदद करने का प्रयास करेंगे, मगर उनके साथ क्रोध नहीं करना है। माता का आशीर्वाद भी भाई बहनों के साथ मिलेगा, लेकिन वहां पर भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई लिखाई में परेशानी आती है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, उनका करियर कैसे बनेगा? कोई बड़े होकर सब्जी थोड़ी बेचनी है, सब्जी बेचने के लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मामूली सी छोटा मोटा जोड़ घटाओ भी आता है तो उससे सब्जी बेच लोगे आप। अरे कैरियर बनाओ, कुछ करके दिखाओ। तुम लोगों के कंधों पर इस देश की जिम्मेवारी है, तो जितना मेहनत करोगे आगे चलकर तुमने ही तो टाटा बिरला डालमिया बनना है, आगे बढ़ के तुमने ही में से ही तो किसी ने अंबानी बनना है। कैसे बनोगे ऐसे? मेहनत करोगे, भागदौड़ करोगे, तभी तो कुछ कर पाओगे जीवन में। मेहनत से जी चुराओगे तो कैसे बन पाओगे? फिर भी जिन स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, बिना किसी जगह हमारी मदद लेकर पढ़ाई लिखाई में मन लगा सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कि ना सिर्फ आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, अब तो आपके हर साल पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे। और यहाँ बात करता हूँ आपके जीवन साथी के साथ, तो आपका जीवन साथी आपके साथ की यात्रा की संभावना बन सकती है, मगर वहाँ उस यात्रा को करने से निश्चित रूप से विषाद ही मौजूद होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी जीवन साथी आपको मदद करने का भरपूर प्रयास करेगा। यहाँ पर अगर मैं भाग्य के बारे में चर्चा करूँ तो भाग्य के हालात आपके कार्यस्थल पर, आपकी नौकरी या व्यापार, आप जो भी कर रहे हैं उसमें मजबूती लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तो अपने पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर कार्यस्थल पर जाना आपको निस्संदेह बहुत लाभ देगा। इस समय को आप मतलब कभी भी अपने जीवन में जब भी आप अपने कार्यस्थल पर जाते पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद अवश्य लें, आपको हमेशा ही लाभ रहेगा। और यहाँ आमदनी की हालत की बात करूँ तो वहाँ खराबी आती है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे उनकी संभावना 30% है। सूर्यदेव के तांत्रिक मंत्र, केतु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्र की माला, बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की माला, इनमें से कोई ना कोई तो माला करना प्रारंभ करो ताकि इनको प्रसन्न कर सको। 15-20 मिनट की पूजा होती है एक ग्रह के लिए, एक एक ग्रह करके भी आप कर लेंगे 108 दिन की पूजा कर लेंगे, आप जीवन भर आनंदित होते रहेंगे। या इनसे संबंधित रत्नों की मध्य प्राण प्रति जागृत की हुई अंगूठियां सदैव आपको फायदा पहुंचाएंगी, तो इन अंगूठियों को धारण कर आप लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो मकर राशि वालों आपके प्रेम संबंधों में खराबी आती है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सावधान रहें, सतर्क रहें अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए, उन अप्रिय संबंधों में आई हुई उलझनों को दूर करने के लिए बिना किसी अक्सर हमारी छोटे छोटे वैदिक उपायों का सहारा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, बृहस्पति देवता का आपकी राशि से फिर से 12th हो जाना, शनिदेव का 12th होना, चंद्रमा का 12th होना, थोड़ा सा अनावश्यक यात्रा की और कुछ परेशानियों को इशारा कर रहा है। सावधान है, सतर्क रहें। गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर सकता है, इस बात को विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर अपने राशि रत्न की यानी शनिदेव महाराज के अंगूठी, भाग्य की अंगूठी यानी शुक्र देवता की अंगूठी, और आमदनी के रत्न यानी बृहस्पति देवता की अंगूठी आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो सकती है, बशर्ते आप इसे प्रॉपर रंग के हिसाब से पहने, मन से 5% जागृत करा कर पहने। देखिए जब ये अंगूठियां सच में मंत्र सिद्ध होती हैं तो कैसा प्रभाव दिखाती हैं। तो यहां अगर मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा करूं या कार्यस्थल के बारे में चर्चा करूं, तो आपके कुछ शत्रु जो हैं आपको गुप्त रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके घर पर भी और आपके कार्यस्थल पर भी। उन शत्रुओं से सावधान रहें। पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद देना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। तो जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है इनमें से, जिस भी फ्रंट पर, चाहे शादी के फ्रंट पर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कार्यस्थल के फ्रंट पर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे भाग्य के फ्रंट पर प्रॉब्लम आ रही है, बरकत के प्रॉब्लम फ्रंट पर प्रॉब्लम आ रही है, आमदनी के फ्रंट पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे संबंधित रत्नों की अंगूठी आप धारण करें। मन से 5% जागृत कराकर धारण करना आपके लिए हमेशा बरकत देने वाला होगा। इन अंगूठियों को आप हमारे यहाँ से मंत्र से 5% जागृत कराकर घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। और ये अंगूठियाँ जो है आपको कर्जों से भी मुक्त करा सकती हैं। आपकी आमदनी को बढ़ाएंगी तो कर्जे तो अपने आप ही जाने लगेंगे।
अगर हम प्रेम संबंधों के बारे में बात करें तो आपके प्रेम संबंधों से आपके भाग्य में बरकत होती हुई नजर आ रही है, वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, तो आप उसी के अनुसार अपने प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। फिर भी अगर प्रेम संबंधों को लेकर कोई निराशा है तो बिना किसी झक के आप हमारी मदद लेकर अपने प्रेम संबंध को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ मैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहूंगा। मीन राशि वाले व्यक्ति देखिए समय के अनुसार अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य कर लें। अब आपका राशि का प्लैनेट क्योंकि नीच का हो गया है और आपकी आमदनी के घर में बैठा तो अवश्य आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य में परेशानी आ सकती है और अधिक परेशानी तब आ जाएगी जब आप गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का आगे या पीछे अपमान करेंगे। तो ऐसा कदापि ना करें, किसी सच्चे धर्मगुरु का तो अपमान करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही नुकसान देने वाला हो सकता है। भाई बहनों के साथ कुछ उलझने आती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ बात करें तो उसके साथ संबंधों में खराबी आती हुई दिखाई दे रही है और अचानक से आप किसी बदनामी वाले कारण में भी फंस सकते हैं, तो वहां भी सावधान रहिए। भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा, भाग्य में सूर्य और केतु का इकट्ठा हो जाना आपके भाग्य को ग्रहण लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो सावधान है, सतर्क रहें। कार्यस्थल का मालिक आमदनी में बैठ के जाके बैठ गया मगर नीच का है, यानी आप जो भी करेंगे वो आपकी आमदनी को नुकसान पहुंचाएगा, तो अपने कार्य अपनी मर्जी से कोई कार्य करने का प्रयास न करें, तभी आप इस स्थिति से बच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने राशि रत्न की भाग्य के रत्न या आमदनी के रत्न की अंगूठी मंत्र से पांच प्रतिशत जागृत कराकर पहनेंगे तो आपको और अधिक लाभ होगा। अगर मैं प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंधों की वजह से यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु उस यात्रा के कारण आपको नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में छाई हुई निराशा को दूर करने के लिए आप हमसे वीडियो कॉल बुक कराकर लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।